एयर में प्रोजेक्ट किया, दिस इज टर्निंग आउट टू बी बेटे आप नोट करेंगे तो 0.5 न्यूटन के करीब इसका वेट जो है आपको यहाँ स्क्रीन पे मिल रहा है। सो वेट जो है बेटा इन द एयर W1 दिस इज 0.5 न्यूटन और W1 आपका है वेट इन एयर। इसके बाद आपने क्या किया है बेटे इसको इस बीकर में ओवरफ्लो वेसल में आपने डिप कर देना है। आई कैन शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस सेटअप। ये मैंने इसको बच्चों डिप किया और ओवरफ्लो वेसल में से कुछ लिक्विड जो है दैट इज फ्लोइंग आउट और मेरा इस पे जो रीडिंग है बेटे जब मैंने इसको सस्पेंड किया है 0.3 न्यूटन आ रहा है। सो लेट मी राइट बेटे W2 दिस इज इक्वल टू 0.3 न्यूटन एंड दिस इज द वेट इन वॉटर। तो बच्चों लॉस कितना हो गया वेट का, लॉस इन वेट दिस इज इक्वल टू बेटे W1 माइनस W2 0.5 माइनस 0.3 और डियर चिल्ड्रन ये 0.2 न्यूटन का लॉस आ गया है। और इफ आई कैन शो यू बेटे तो मेरे पास ये ध्यान से देखिएगा ये बेटे 20 सेंटीमीटर क्यूब आपने वॉल्यूम जो है ये कलेक्ट किया है लिक्विड का ओवरफ्लो वेसल में जो ओवरफ्लो होकर आपको मिल रहा था। इस लिक्विड का वेट आप निकाल सकते हैं W3 दिस इज बेटे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और ये वेट आपके पास बेटे जो है वॉल्यूम आपके पास सेंटीमीटर क्यूब्स में था डेंसिटी लिक्विड की उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये आपको बेटे आपका ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड दे देगा। तो ये वॉल्यूम आपके पास 20 सेंटीमीटर क्यूब था इसके बेटे आपने मीटर क्यूब बनाने के लिए ये ऐसे कर दिया इसको। देन डियर चिल्ड्रन डेंसिटी पानी की 1 दिस इज वेल नोन टू यू एंड जो स्मॉल जी की वैल्यू है दिस इज विद इन 9.8 होता है। अगर आप ये सारे का सारा डियर चिल्ड्रन वर्कआउट कर लोगे तो ऑब्वियसली ये आपके पास विद जो है 0.2 न्यूटन से थोड़ा सा ये 9.8 लोगे तो थोड़ा ज्यादा आ जाएगा अगर 10 ले लोगे तो एग्जैक्टली बराबर आ जाएगा। सो बेटे यहाँ पे आपने ये सारे के सारे सेटअप के साथ ये इंडिकेट कर दिया है कि आपका जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसका वेट बेटे एग्जैक्टली इक्वल टू द लॉस इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है जब आप अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली बेटे पानी में इमर्स कर देते हो। सो पानी में कंप्लीटली इमर्स करने पर जितना भी आपके ऑब्जेक्ट के वेट में लॉस हुआ है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। आपको लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो है उसका वेट किस तरीके से बेटे नोट करना है आपने कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने बेटे कैलकुलेट इसको नहीं करना है बेटे आप एज सच इसको बेटे लेकर साथ ही डायरेक्टली विद दी हेल्प ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस नोट करना चाहते हैं इवन देन यू कैन डू दैट। उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा सेटअप रहता है आप एक थ्रेड लेकर इस बीकर का इंक्लूडिंग वाटर इस स्केल के साथ वेट नोट कर लीजिए फिर इसको आप एम्प्टी कर दीजिए इसका वेट फिर से नोट कर लीजिए बेटा और दोनों जो वेट्स हैं आपके एक बार आपने खाली बीकर का वेट नोट किया एक बार आपने विद वाटर वेट नोट किया जो विद वाटर वेट है उसमें से खाली वाटर बीकर का वेट माइनस कर दीजिए आपके पास लिक्विड का वेट जो है डिस्प्लेस आपने किया आपको मिल जाएगा बेटा। सो इन दिस वे बेटे हम अपना ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको डियर चिल्ड्रन कंप्लीट कर सकते हैं। बिफोर वी गो फर्दर विद एनी अदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन बेटे ध्यान दीजिएगा बेटा दो प्रैक्टिकल्स आपने इस टर्म में कंप्लीट करने हैं। एक आपका था डेंसिटी ऑफ द सॉलिड आपने एस्टीमेट करना है बाई मेकिंग यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो आपने लैब में नॉर्मल डेज में कर लिया था। सेकेंड आपका था
वेरीफाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो आपने अभी प्रेजेंटली कर लिया है। रीडिंग्स मैंने आपको मेंशन करके बता भी दी हैं, मैं एक बार फिर से बच्चों आपको रीडिंग्स जो है सारी पेयर करके लिख देता हूं। आपका W3 दिस इज विद ए वेट ऑफ द वॉटर है 0.2 न्यूटन आपने नोट किया है। दिस इज वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड। सो डियर चिल्ड्रन आप नोटिस कर सकते हैं एयर में जितना वेट था W1, पानी में जितना वेट है W2, ये आपका वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड W3 के बराबर निकल आता है। दिस इज 0.5 न्यूटन, 0.3 न्यूटन, राइट साइड पे 0.2 न्यूटन है, तो डियर चिल्ड्रन 0.2 न्यूटन दोनों साइड पे आपका बराबर आ जाता है। सो दिस वेरीफाइज न्यूटन्स योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटा, और आप इसको बेटे एज सच अपनी फाइल पे डियर चिल्ड्रन कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई और बात है आपकी पूछने वाली, यू आर मोस्ट वेलकम, एनीवन फ्रॉम योर साइड।